होली पर घर गया था। घूमने निकला तो ब्रजवासी की रबड़ी खाई, अंसारी रोड और चौक बाजार टहला, नहर पर गया और फिर काली नदी की तरफ पहुंचा। नदी अब खत्म हो गई है। वापस लौटा हूं तो लैपटॉप खोलकर इसी बारे में लिख रहा हूं। जब मैं छोटा था तो मम्मी के साथ काली नदी पर लगने वाले सालाना मेले में जाता था। मेले को बूढ़े बाबू की दौज कहा जाता था। मेला अभी भी लगता है लेकिन नदी खत्म हो चुकी है। ऐसा माना जाता था कि इस नदी में जो नहा लेता है उसे चर्म रोग नहीं होते। जब हम छोटे थे तो नदी में डुबकी लगा लेते थे। थोड़े साल बाद जब नदी का पानी काला और गंदा होने लगा तो हाथ मुंह धोने के लिए कहा जाने लगा। कुछ और सालों के बाद केवल छींटे लगाने को कहा गया। और वक्त बीता तो कहा गया कि केवल इस पानी से टीका कर लो। अब शायद वो भी नहीं होता होगा। अब तो ये नाला बन के रह गई है, लोगों ने इतना अतिक्रमण कर लिया है उसमें, अब ये केवल नाले के रूप में है और इसका जल बहुत अब अच्छा नहीं रहा है, काला जल है और बहुत बदबू रहती है। और हमारे कुछ भाई लोग वहाँ गाय भैंस जैसे हम लोग पहले ले जाते थे पानी पिलाने, अब वो प्रदूषण, अब भैंस और गाय भी पानी नहीं पीती हैं। इस नदी की एक कहानी है। इस नदी ने बुलंदशहर के सैकड़ों सालों का इतिहास देखा है। कई राजा देखे होंगे, नवाब देखे होंगे, अंग्रेजी शासन देखा होगा और आज़ाद भारत भी देखा होगा। इसी आज़ाद भारत में तो नदी ने दम तोड़ा है। इस शहर की कहानी इस नदी की ज़ुबानी मैं आपको बताता हूँ। जो हमेशा देखा सुना है वो आपको बताता हूँ। आखिर इस नदी ने बुलंदशहर का सुनहरा दौर देखा है। हमारे यहाँ अवंतिका जी देख लीजिए, अनूपशहर में देख लीजिए, छोटी काशी के नाम से जानी जाती है। बुलंदशहर में चले आइए, बुलंदशहर में काली नदी है, ये बहुत पुरानी चली आ रही है, आज से नहीं है। और पहले इसका जल जो था वो स्वच्छ था, पीने योग्य भी था और शहर के बीचों में से निकल रही थी, तो पहले बहुत सारी आबादी इसी जल को लिया करती थी पानी। लेकिन अब सहसे जिसमें नाले गिरते चले गए, पीछे से चलते चले आए और उसके बाद में ये प्रदूषित होती चली गई और लगातार ये अब बिल्कुल पानी पीने योग्य भी नहीं है, आँच मुँह करने योग्य नहीं है, इतना ज़्यादा दूषित हो चुका है। ऐसा कहा जाता है कि पहले इस शहर का नाम ऊंचा नगर था क्योंकि ये थोड़ी ऊंचाई पर बसा था। जब फारसी शासन यहाँ पहुंचा तो नाम पड़ा बुलंद शहर, फिर मुगल आए, फिर छोटे छोटे जमींदार हुए, फिर अंग्रेजी शासन आया। उसी दौर में शहर का गजेटियर लिखा गया था। शहर को लेकर कई अफवाहें भी हैं जिनका सच तो कोई नहीं जानता, लेकिन शायद ये काली नदी जरूर इस सच को जानती होगी। कहानी शुरू होती है भवन के मंदिर से। ये मंदिर भी बहुत पुराना है, कितना पुराना कोई नहीं जानता, लेकिन शायद राजा की कुलदेवी का मंदिर यही होगा। मंदिर से थोड़ी दूरी पर काली का मंदिर है, अखाड़ा है और एक शमशान भी है। इसके नज़दीक में ही अनाज की मंडी है। सड़क पार करते ही आपको सीढ़ियां दिखाई देती हैं। ये नदी का घाट है। यहाँ कुछ मकानों पर रिवर व्यू भी लिखा है। साफ पता चलता है कि किसी जमाने में यहाँ नदी बहुत साफ रही होगी। आज यहाँ पर भैंसें बंधी दिखाई देती हैं, कुत्ते घूमते दिखते हैं और नदी पर हुआ कब्जा भी साफ साफ देखा जा सकता है। इसके बराबर में ही कबाड़ी बाजार है जहाँ लोहे का सामान बनता और बिकता है। ऐसा लगता है जैसे जब राजाओं का दौर था तो शायद यहाँ हथियार बनाए जाते होंगे। इसी से सटा है कसाईबाड़ा। गौर से देखने पर यहाँ एक गेट दिखाई देता है जो कितना पुराना है कोई नहीं जानता। थोड़ा आगे बढ़ने पर भगवान राम का मंदिर है जो बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है। इस मंदिर के ठीक सामने हनुमान जी का एक और मंदिर है। यहाँ शहर का सबसे पुराना बाजार है जिसे आज अंसारी रोड कहा जाता है। गौर से देखेंगे तो ये पैटर्न वही है जो लाल किले का है। लाल किले के ठीक सामने मीना बाजार है। इसी तरह यहाँ पर महिलाओं के कपड़ों और प्रसाधनों की दुकानें हैं। हो सकता है यहाँ महल का मुख्य द्वार रहा हो जिसके सामने ही ये मेन बाजार हो। द्वार के मेन गेट पर राम मंदिर और ठीक सामने हनुमान मंदिर। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक अंग्रेजी इमारत आती है। कहते हैं कि अंग्रेजी शासन यहीं से चला करता था।
थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो साठा नाम का एक मोहल्ला आ जाता है। यहीं पर एक और गेट है और ये गेट भी काफी पुराना है, यहाँ पुलिस चौकी भी है। शायद यहाँ किले का कोई गेट रहा होगा, हो सकता है यहाँ किले की चौकी रही हो। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो भूतेश्वर महादेव का मंदिर आ जाता है। ये मंदिर भी बहुत पुराना है। खास बात यह है कि ये सब काली नदी के किनारे किनारे बसा है। आज इस पूरे इलाके पर बसा है ऊपरकोट। कोट का अर्थ होता है किला, यानी ऊपरकोट का अर्थ हुआ ऊंचा किला। ऐसा भी कहा जाता है कि राजा का महल वर्तमान ऊपरकोट के नीचे कहीं दफन है। पुराने लोग तो अब बचे नहीं, लेकिन बताने वाले बताते हैं कि 1970 तक काली नदी में बाढ़ आया करती थी और साठा समेत कई इलाकों में इस बाढ़ का पानी भर जाता था। नावें चला करती थीं। जब शहर का दायरा बढ़ा तो नदी को समेट दिया गया। नदी की जमीनों पर कब्जे कर लिए गए, प्लॉटिंग कर दी गई, नदी की जमीनों पर खेती हो रही है। कौन कर रहा है पता नहीं, न शासन को चिंता है न प्रशासन को चिंता है। काली नदी अब काले नाले में तब्दील हो गई है। नालों की तो फिर भी कभी कभार सफाई हो जाती है, लेकिन काली नदी की सफाई भला कौन सा विभाग करेगा। इसकी दुर्दशा के लिए जहां शासन और प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है, वहीं नगरवासी भी कम जिम्मेदार नहीं है। पहले इस नदी से आसपास के खेतों की सिंचाई होती थी। आसपास रहने वाले लोग, खासकर बच्चे, इस नदी में स्नान भी करते थे, लेकिन वर्तमान में इस नदी का पानी न तो आचमन योग्य है, न पीने योग्य है, और ना ही इस पानी से खेतों की सिंचाई की जा सकती है। तमाम तेज तर्रार डीएम बुलंदशहर आते हैं। कोई सिंघम होता है, कोई दबंग होता है। सोशल मीडिया पर ये लोग नाम कमाते हैं, फिर एक दिन तबादला पाकर चले जाते हैं। तमाम विधायक आए और गए, लेकिन काली नदी कभी किसी की प्राथमिकता में नहीं रही। बुलंदशहर के वर्तमान और पिछले कई सांसद भी काली नदी के लिए कुछ नहीं कर पाए। एक दिन शायद वो आएगा जब काली नदी किसी किस्से कहानी तक में नहीं मिलेगी। शायद कभी नदी के किनारे लगने वाला मेला बंद हो जाएगा। शायद कभी किसी को याद भी नहीं रहेगा कि काली नदी नाम की कोई नदी इस इलाके से बहा करती थी। या फिर कभी ऐसा होगा कि शासन और प्रशासन मिलकर इस नदी को पुनर्जीवित करने का काम करेंगे। सांसद और विधायक के लिए ये नदी प्राथमिकता बनेगी, डीएम के लिए उसकी साख का सवाल बनेगी, जनता के लिए उसकी शान बनेगी। और शायद किसी दिन ऐसा हो कि इस नदी को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया जाए। शायद किसी दिन ऐसा हो कि बच्चे फिर से इस नदी में डुबकी लगा पाएं, फिर से अपनी माँ की उंगली पकड़कर मेले में जा पाएं। शायद किसी दिन ऐसा हो।